हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी व्लॉग्स। नया दिन, नई शुरुआत। तो भाई, सुबह वाला काम खत्म करके अभी वीडियो थोड़ी 15-20 दिन बाद आ रही है, वो इसलिए क्योंकि सुबह शाम दो काम करने पड़ते हैं। तो लोग कहते हैं पोर्चुगल में काम नहीं है। भाई काम है, मैं खुद जो जॉब करता हूँ। अब ये मत सोचना, काफ़ी लोग मेरे को कमेंट कर देते हैं, कोई टिकटॉक पर, कोई कहीं कि तेरी किस्मत है, तेरे को मिल रखा है काम, तो आकड़ की तो खाना है वो फलान ठिकाना। बहुत लोग चूतिया कमेंट करते हैं मेरे को उनकी, चलो परवाह नहीं है, बट मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। इसलिए टाइम नहीं मिलता, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो है। बाकी मेरे को किसी की कोई लेना देना नहीं। तो अभी जा रहा हूँ जिम, जिम से आके ये वीडियो पूरी देखना, कंटिन्यू करेंगे जिम के बाद कि भाई पोर्चुगल में काम क्यों नहीं मिलता है, कैसे लोगों को नहीं मिलता है। और एक स्टोरी शेयर करूंगा किसी लड़की के बारे में, बट नाम नहीं लूंगा, ना किसी की फोटो वोटो दिखाऊंगा, क्योंकि किसी के बारे में कुछ पता के ऐसे कोई फायदा नहीं है। बट एक एग्जाम्पल सेट कर दूंगा कि किन लोगों की वजह से क्यों काम नहीं मिलता है लोगों को, क्योंकि एक उस लड़की के चक्कर में अब मेरा खुद मन नहीं करता किसी की हेल्प करूँ काम दिलाने के लिए, क्योंकि फिर खुद की ही बेइज्जती होती है। एक तो किसी के लिए करो भी, ऊपर से कोई चीज़ एक्सपेक्ट भी मत करो कि कोई हमारे लिए कुछ करे, या फिर कोई हमें हमें कुछ दे, या फिर कुछ हमारा भला करे। कुछ भी एक्सपेक्ट ना करते हुए लोगों की हेल्प करने के बाद भी जब ऐसा कुछ मिलता है तो फिर अच्छा नहीं लगता आगे किसी के लिए करने के लिए। तो यही स्टोरी है, ये मैं आपको शेयर करूंगा आगे। बाकी जॉब से रिलेटेड थोड़े से टिप्स भी दूंगा आगे कि कैसे कैसे आपको मिल सकती है, कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो और किस क्या सिचुएशन अभी चल रही है। तो जिस जिस जो जो वीडियोस पे नए हैं, वीडियोस पुरानी वीडियोस को बहुत अच्छा अच्छा प्यार दिखा रहे हो, आपको कोई 10,000, कोई 1,000, कोई 2,000 अच्छे व्यूज जा रहे हैं। कोई मेरे को इतनी लालच नहीं है जितने लोगों तक नॉलेज पहुंचे, बस उसे शेयर करते करो आगे, ताकि अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, आपको पता लग रहा है पोर्चुगल के बारे में क्या हालात हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं दो जॉब कैसे करता हूँ और आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, और जो जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो, शेयर करते करो। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तब मत लाइक करो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करते करो। एक मिनट लगता है सिर्फ, एक मिनट क्या कह रहा हूँ मैं, एक सेकंड लगता है, टक ऐसे दबाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। अभी चलते हैं जिम अपना, करते हैं आज चेस्ट का वर्कआउट। दो तीन दिन से तबीयत खराब थी तो इसलिए एक दिन नहीं आया मैं बीच में, बाकी दो दिन आ ही रहा था। तो मिलते हैं जिम के बाद, तो बाकी कंटिन्यू रहना वीडियो पे, पूरी एंड तक देखना। गाड़ी को लगाते हैं कहीं साइड में, अभी जिम से आ गए थे, नहा धो के निकले हैं, पसीने से दोबारा काम पे जा रहा हूँ, अब दूसरे वाले काम पे शाम वाले, पसीने में दोबारा भीग ना जाए अंदर, तो इसलिए पहले साइड में लगाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। पार्किंग में लगा दी थी अपन ने साइड में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ छोटी सी, कि क्यों मैं अब नहीं करता हूँ और क्यों ज़्यादातर लोगों को ऐसे काम नहीं मिलता है। तो ये कुछ 2-3 महीने की बात है, फिर ज़्यादा टाइम होगा, मे बी लास्ट ईयर विंटर्स के आसपास की बात है या लास्ट सीजन की बात है मे बी। तो एक लड़की आई लिस्बन से, पता नहीं मेरी वीडियो देख भी रही होगी, तो भाई चलो जाए तो खुश है, ठीक है। अपना एक लड़की आई, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे मैसेज करा, मैंने लड़कों को भी जॉब दिला रखी, आप पहले वीडियो देख सकते हो, लड़कियों को भी दिलाई हुई है। तो मैं ज़्यादातर की बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है ये सब, कि लोग सोचते हैं फिर कि एहसान कर रहा है फलाना ठिकाना, तो मैं वो चीज़ें करता नहीं हूँ, जितना कर पाता हूँ कर देता हूँ। तो लड़की बुलाई, मतलब उसने उनसे मैसेज करा, तो मैंने कहा मेरे पास कुछ होगा तो बता दूंगा। तो एक महीने बाद मेरे पास कोई वैकेंसी आ गई, तो मैंने उस लड़की को बोला आ जाओ, उसको रहने का करा दिया, उसको जॉब का करा दिया, बस स्टेशन से उठाई सीधा उसको जहाँ पे जॉब थी वहाँ लेके गया, इंटरव्यू हुआ, उसको डन कर दिया कि कल से ज्वाइन कर लो। लड़की ने एक दो पहले तो स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब वो वहाँ पे इंटरव्यू उसका हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने जैसे बोला कि आपको इतनी सैलरी होगी, खाना आपको अपना लाना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में थी बट वो खाने का पैसा दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि खाना आपको अपना लाना पड़ेगा। जो भी थी डील हो गई उनकी कि कुछ दिन आप दो शिफ्ट में काम कर लो 4-4 घंटे की, देन उसके बाद आप अगर आप हमें लगेगा आप कैपेबल हो तो आप पूरे 8 घंटे रेगुलर कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लड़की कह रही ओके, एक दो दिन गई फिर उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फिर वो एक दो जब वहाँ से निकली इंटरव्यू देखे तो मेरे से भी बोल रही थी कि यार 8 घंटे नहीं करेंगे ये लोग, खाने का भी नहीं दे रहे हैं ये वो। तो यार पहली में कोई चीज़ समझ नहीं आती, जब एक तो ये वर्डिंग उनके मुँह से अच्छी लगती है, जो डिमांडिंग हो, जिनको पास टैलेंट हो, जिनके पास चलो स्किल हो, जिनके पास जॉब्स का बहुत एक्सपीरियंस हो, जिनके पास जॉब ही 8-8 महीने 6-6 महीने से नहीं है, 10-10 महीने से जॉब नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, वो ये डिमांड क्यों कर रहे हो यार, जाके अपना लगो और अपना कमाओ। तो सबसे मेन बात है कि चीज़ ये एक लड़की में नहीं, ये काफ़ी लोगों में, लड़कों में, लड़कियों में, सब में, मतलब बहुत हमारे लोगों में है, मैं हमारे ही नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों में है कि पहले कुछ होता नहीं है, जब मिलता है तब डिमांडें स्टार्ट हो जाती है बिना कुछ करे ही। तो वो सब डिमांड हुई, लड़की ने 2-3 दिन बाद वहाँ से काम छोड़ दिया और जब घर पे रह रही थी, वहाँ 15-20 दिन रही जहाँ पे रखवाई थी। तो उस लड़की की स्टोरी बताता हूँ मैं, उसने मेरे को बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम है, मम्मी भी मेरी यहाँ रहती है, भाई भी रहता है, मतलब 10-12 प्रॉब्लम भी गिना दी। तो फिर मैंने जो ओनर था घर का, वो अपना ही था, कोई भाई था जाने वाला, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा लड़की से जब तू एंड मंथ एंड में जब सैलरी आएगी तो उससे सिक्योरिटी भी ले लियो और रेंट भी ले लियो,
ठीक है। एक तो यहाँ पे रहने का बड़ा मुश्किल है जिस एरिया में मैं रहता हूँ, तो फिर भी उसका किराया चलो जैसे तैसे करके बातचीत से इतना हो जाता है, भाईचारा इतना तो बनाया होता है। तो किराया वो लड़की थोड़े टाइम बाद 20-25 दिन बाद वहाँ से निकल गई, ना उसने रेंट दिया ना उसने सिक्योरिटी दी, ऊपर से वहाँ जाके पता नहीं 10 कहानियाँ और बनाने लग गई, ब्लॉक कर दिया नंबर। तो यार मेरा ब्लॉक करके नंबर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं किसी लड़की ना उसका नाम ले रहा, ना मैं कुछ वीडियोस की फोटो दिखा रहा उसकी, ना मेरे को कोई लेना देना उससे, मैं बस एक आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। मेरे को ब्लॉक करके क्या कर लेगी, उसके बाद मैं रिवेंज बता देता हूँ। वो वापस आई यहाँ पे जिस एरिया में मैं हूँ, नाम तो क्या लेना, यहीं पे वापस आई। अब वो जॉब ढूंढ रही है, उसको जॉब नहीं मिल रही, और मेरे पास स्टिल मैं कई लोगों को जानता हूँ जो जॉब है, क्योंकि अब हम दिल मैं चाहता ही नहीं कि फड्डों में पढ़ूँ, तो किसी का करो भी ऊपर से नुकसान भी झेलो। अब जिस बंदे का घर था वो मेरे से पैसे मांग रहा था, है ना, वो तो चलो भाईचारा था जैसा भी था, हमने सेटलमेंट कर लिया अपने यारी दोस्ती के लेवल पे, बट फिर भी एक चीज़ होती है। तो जॉब्स का यही है यार, काफ़ी लोग ऐसे ड्रामे करते हैं, तो इस चक्कर में भी जॉब्स काफ़ी लोगों को कम मिलती है। और बाकी यार अब जैसे ना साउथ एरिया में या लागोस, चलो जिसको जो करना था छोड़ो उसको छोड़ो, बाकी जॉब्स की कंडीशन थोड़ी सी बुरी चल रही है इस टाइम पे सारे एरियाज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो चुके हैं, मतलब हमें भी मिला के हम भी उसी में आते हैं, तो सब सारे इमिग्रेंट्स अपन लोग भाई लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और अब यार जैसे इस एरिया में मैं 1.5 साल पहले वीडियो डालता था कि आप इस एरिया में आओ यहाँ पे कमाओ, भाई अब यहाँ पे भी भीड़ बहुत हो रखी है, बहुत ज़्यादा 8-8, 10-10 बंदे, मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो बना ली थी कि जब भी काम मांगने जा रहा हो एक बंदा जाओ, और ऐसी ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ टिप भी दिमाग में रखो, ऐसा नहीं कि सिटी सेंटर या बड़े रेस्टोरेंट्स में ही जाओ, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं, कैफेज होते हैं सोसाइटीज़ के बीच में, वहाँ पे भी उनको बहुत बंदे चाहिए होते हैं, तो उनमें भी जाया करो, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इंग्लिश थोड़ी सी मैंडेटरी रहती है भाई, इंग्लिश तो रखे ही रखे करो, पॉर्चुगीज आती है तो फिर तो वेल एंड गुड है। ड्रेस अप बढ़िया, ये सब कट कुटा के बाल बुल सेट, मेरे तो फिर थोड़े बड़े, चलो मैं तो लगा हुआ हूँ 2 साल से की कंपनी में, तो मेरा कोई इतना लेना देना नहीं है। जब भी इंटरव्यू पे जाते हो तो वही होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो बन ठन के जाया करो थोड़ा। और जितना मेरी तरफ से मेरा होगा कि अगर मेरे पास कोई जॉब होगी तो मैं वैकेंसी आपको डाल दूंगा, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो जाके, वहाँ पे भी सैनी ब्लॉग्स के नाम से अकाउंट है 21, तो यहाँ पे भी फॉलो कर लो, मैं यहाँ पे भी वीडियो डाल दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो और तगड़ी आने वाली है, उसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा आपकी, मैं मोस्टली जॉब्स की वीडियो डालता हूँ, मैं ये नहीं कि TRC कार्ड ये फलाना ठिकाना इसकी मैं बहुत कम डालता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल में किस चीज़ों की डिमांड हो चुकी है, एंड किस क्या क्या चीज़ आपको सीख के आनी चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, दोबारा बना दूंगा, और लेकिन अभी जो कंडीशन है वो यही है भाई, जिस भी एरिया में जा रहे हो बहुत सोच समझ के जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने लोग हर एरिया में हो रखे हैं, तो जॉब्स का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बट फिर भी ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, जॉब मिल जाएगी। उन लोगों की वीडियो कम देखे करो जो कहते हैं जॉब्स नहीं है, जॉब है, बस आप जाओ वेल मेंटेन रहो, थोड़ी CV अच्छी सी बना के रखो, आपको जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बट मैंने ये छोटी सी शेयर करनी थी स्टोरी आप लोगों को बताने के लिए कि थोड़ी डिमांडें कम रखे करो जब स्टार्टिंग में, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपके लिंक्स बन जाए, जब आपको पता है आपके जॉब्स की कमी नहीं है, तब आपकी डिमांडें थोड़ी सी बढ़ भी जाए, पसीना आ गया तो कोई इशू नहीं, अगर डिमांडें बढ़ भी जाए, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिमांडें कम रखे करो, फिर उस बंदे को भी नहीं अच्छा लगता जिससे आप पहले रिक्वेस्ट कर रहे हो तो काम दिलाने के लिए, फिर उसको सुनाते हो डिमांडें, तो ये थोड़ी सी चीज़ बुरी जाती है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी से भी जल्दी वीडियो में डाले करूँगा ऐसे टाइम निकाल के काम के बीच में। ध्यान रखिए अपना, फैमिली का सब्सक्राइब कर लो नीचे, लव यू ऑल।